अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैर बाजवा है। मेल इनफर्टिलिटी वीडियो सीरीज की ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक नॉर्मल सीमन सैंपल के बारे में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके सीमन में एबनॉर्मैलिटी आई है तो आगे आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। अगर तो आपका सीमन सैंपल किसी हद तक नॉर्मल है तो फिर आगे आपने कोई टेस्ट नहीं कराना और आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आपने एक अच्छी वेल रिप्यूटेड लैब से रिपोर्ट कराई है। लेकिन अगर आपके सीमन सैंपल में काफी ज्यादा एबनॉर्मैलिटीज हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आफ्टर 2 to 3-4 weeks अपना सीमन सैंपल रिपीट करें और हर दफा कम से कम 72 घंटे के परहेज पे ही एक अच्छी जगह से टेस्ट करवाएं। अगर 2 दफा सीमन एनालिसिस आपने करवाया है और दोनों दफा स्पर्म्स का काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल से कम आई है तो फिर आपको एक डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। इसके अंदर आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से भी रुजू कर सकते हैं या एक यूरोलॉजिस्ट से भी रुजू कर सकते हैं जो खास तौर पर मेल इनफर्टिलिटी यानी कि इस तरह के मसाइल का इलाज करते हैं। मैं आपको ये बात याद कराती चलूं कि जनरल गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल यूरोलॉजिस्ट हमेशा मेल इनफर्टिलिटी का इलाज नहीं करते, तो स्पेसिफिकली आप उन डॉक्टर्स को दिखाएं जो मेल इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं। अगर सीमन सैंपल पे बहुत ज्यादा एबनॉर्मैलिटी आती है यानी कि स्पर्म्स का काउंट 5 मिलियन से कम आता है और स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी 1 या 2% आती है या और स्पर्म्स की जो हरकत है वो नॉर्मल जैसा 40% मैंने आपको बताया था स्पर्म्स की हरकत बहुत कम आती है, इस केस में आपको फर्दर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। फर्दर टेस्ट क्या होंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हस्बैंड का या आदमी का हार्मोनल एनालिसिस। इन एनालिसिस को कोशिश की जाती है कि सुबह 9 बजे के वक्त इस टेस्ट को करवाया जाए। इन हार्मोन्स में शामिल होंगे आपका FSH का लेवल, LH का लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, थायराइड का टेस्ट और प्रोलैक्टिन का टेस्ट। ये एक बेसिक हार्मोनल प्रोफाइल है जो एक मेल को करानी चाहिए अगर उनके सीमन सैंपल में खासी एबनॉर्मैलिटी आई है। और दूसरा एक अहम टेस्ट जो आमतौर पर हम मेल्स को बताते हैं वो तो है अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, जिसमें टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और खास तौर पर वेरिकोसील के लिए चेक किया जाता है। ये एक दूसरा टेस्ट है जो हम कपल्स को बताते हैं जिसमें हस्बैंड में सीमन टेस्ट में मसला आए। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि अगर आपके सीमन सैंपल में एबनॉर्मैलिटी आई है तो आप अपने सीमन सैंपल को रिपीट करें और अगर आपको कंसिस्टेंटली एबनॉर्मैलिटी उसमें नजर आती है तो आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं जो मेल इनफर्टिलिटी का इलाज करते हों। वो आपके फर्दर टेस्ट कराएंगे जिसमें हॉर्मोन्स के टेस्ट और स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड शामिल हैं और वो करा के फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को पे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।